अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आई एम हेयर विद एन अदर व्लॉग, और ये मेरे वीकेंड का सफूरी लैंड वाले व्लॉग का पार्ट टू है, क्योंकि उसमें मेरी शॉपिंग रह गई थी, विंडो शॉपिंग, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ विंटर कलेक्शन सेंटर पॉइंट पे और मैक्स पे बहुत अच्छी बच्चों की वैरायटी आई हुई थी, लेकिन मैंने अभी विंटर शॉपिंग नहीं की क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी फ्री नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए शॉपिंग के लिए। तो अभी तो हम सिर्फ बच्चों को लेकर गए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम से आप देख लो जो जो चाहिए। खैर, मैंने भी पूरा विज़िट किया, लेकिन मैंने भी पूरी शॉप विज़िट की और डिसाइड कर लिया कि क्या क्या लेना है। खैर, ये स्टार्स वाला रोमपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 के साइज़ में अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा शूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, सॉफ्ट, विंटर के हिसाब से ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी, लेकिन सेल नहीं चल रही थी कहीं पे भी। जैसे पाकिस्तान में दिसंबर में नवंबर में 11-11 सेल चल रही होती है, यहाँ पे नहीं थी, किसी चीज़ पे भी डिस्काउंट नहीं था, बस ये जो थोड़ी बहुत समर कलेक्शन थी इन पे था। और खैर, बैग्स हमेशा से बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे, और यहाँ पे रेड वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन बस इतना भी नहीं था। और ये यहाँ पे छोटे छोटे बहुत क्यूट से बैग थे, लेकिन बहुत छोटे थे, इनमें तो मोबाइल भी नहीं आ सकता था। फिर यहाँ ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नाइस था, तो आई डिसाइडेड टू बाय इट लेटर ऑन। और फिर उसके बाद कुछ रैंडम देखी, चीज़ें देखी थी, उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उस दिन, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे बस जिशान ने मुझे बाहर निकाल लिया था शॉप से ज़बरदस्ती, और बच्चों का बहाना करके कि बच्चे थक गए हैं अब बस करें, फिर हमने डिसाइड किया चलो ओके अब हम चलते हैं। और बस उसके अलावा फिर तो बस उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि वाकई जिशान को बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, और हम प्रैम भी नहीं लेकर गए थे, जिसकी वजह से जिशान को उठाना पड़ा था साथ को, क्योंकि वो सो गया था। खैर, ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैं ज़ीरा वाटर, हाँ उस ज़ीरा वाटर भी कभी कभी मैं अपनी डाइट के लिए पी लेती हूँ, लेकिन नॉट रेगुलरली, हमेशा मुझे बस इसी बात का गिला होता है अपने से कि मैं कांस्टेंट नहीं रहती, एक दिन पी लेती हूँ दूसरे दिन मुझे फिर याद नहीं रहता। और इसको पीने का ये तरीका है कि एक ग्लास वाटर में चुटकी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा लेके ओवरनाइट सोक कर देना है, रख देना है रात को पूरी रात, और फिर सुबह उठ के उसको बॉयल करना है और ज़ीरा स्ट्रेन करके वो पानी जो है वो पी लेना है, लेकिन गर्म गर्म नहीं पीना, थोड़ा सा ठंडा करके, फिर वरना मुँह जल जाएगा। खैर, यहाँ पे बस ये रेडी हो गया और फिर मैं इसको पी लूँगी, और उसके बाद हम बनाएंगे अपना फेवरेट नाश्ता, आलू गोभी का पराठा। ये मेरा इतना को फेवरेट है ना कि बस बचपन से बहुत फेवरेट, मुझे आलू के पराठों से ज़्यादा आलू गोभी के पराठे पसंद हैं। तो यहाँ पे मैं गोभी के लेफ़्ट ओवर सालन को अच्छी तरह मैश कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और साथ साथ चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय का और पराठे का क्या प्यारा कॉम्बिनेशन है। सो चाय के लिए मैं फ़्रेश दूध ही डालती हूँ हलीब की बजाय, क्योंकि मुझे लगता है इसकी चाय ज़्यादा अच्छी बनती है, सो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा फिर हम अपने पराठे की तरफ चलते हैं, पहले मैं बच्चों का बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपना गोभी का पराठा बनाऊँगी। और यहाँ पर अच्छी तरह ये मैश हो गया है, तो बस इसको हम साइड पे करके पहले हम पेड़े बेल लेंगे। सो यहाँ पे मैं बच्चों का रेक्टेंगल पराठा बना रही हूँ, बस बच्चे खाते हैं तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ तवे पे, बहुत मुश्किल हो रहा था एक हाथ से, तो इसलिए फिर मैंने मोबाइल रख के पहले इसको डाल लिया था यहाँ पर, और फिर मैंने इस पर ऑयल लगाया, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह सिंपल पराठे पे, बच्चे कभी कभी जब नखरे करते हैं फिर मैं उनको ये बना देती हूँ, और ये एक वो शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनको उसको पका रही हूँ दोनों तरफ से ऑयल लगा के, और उसके बाद फिर हम अपना बनाएंगे। ये बड़ा अच्छा गरम गरम बहुत मज़ेदार लगता है ये वाला रेक्टेंगल, चकोर चोरस जो मर्जी इसको कहें। तो इसके अलावा इसकी एक और शक्ल होती है ट्रायंगल, वो वाला मुझसे इतना सही नहीं बनता, ट्रायंगल वाला, तो आई प्रेफर दिस वन, ये आसान है और ये बहुत मज़े का लगता है। बस यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको मैं साइड पे करके फिर हम आते हैं अपने पराठे की तरफ। तो वैसे आप लोगों ने ना ज़्यादा हैरान नहीं होना कि एक तरफ डाइट प्लान और एक तरफ पराठे, ये बस चलता रहता है साथ साथ।
मुझे लगता है हम गर्ल्स जो होती हैं वो ओवर कॉन्शियस होती हैं अपने वेट को लेके। सो मैं इसीलिए मुझे जब भी याद आ जाता है मैं ज़ीरा वाटर ले लेती हूँ। और बस यहाँ पे बच्चों का पराठा डन हो गया है, फिर मैं अपना बनाऊँगी। और अभी मेरा स्टैंड मुझसे फिक्स ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी एक हाथ से बनाना और एक हाथ से शूट करना। सो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही होगी इसका तरीका। बहुत आसान है, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह हम गोभी का, बस गोभी को अच्छी तरह मैश कर लेना है, क्योंकि अगर सही तरह मैश नहीं होगा फिर वो सही बनेंगे नहीं पराठे, और वो फट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे दो पेड़े लेके उनको दोनों को पहले बेल लिया था, और फिर मैंने एक पेड़े के ऊपर इस तरह सालन रख कर, और मैं दूसरे पेड़े से इसको, ये देखिए, मैं अच्छी तरह इसको इस पर रख के बंद कर दूंगी साइडों से अच्छी तरह प्रेस करके। इसको फिर हम बेल लेंगे, बेल के फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे इस तरह, और फिर हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे ऑयल लगा के दोनों दोनों तरफ। और ये मेरा पराठा रेडी हो रहा है, और ये वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। आई होप आप लोगों को भी क्रेविंग हो रही होगी, और अगर हो रही है तो फिर आप नेक्स्ट डे आलू गोभी का सालन बनाइएगा, और उसके बाद फिर आप ज़रूर बनाइएगा गोभी के पराठे, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसे लगे। सो बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों की और अपनी चाय डाल के, और फिर हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रायान ज़ीशान, थम्स अप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। टिल देन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।